अस्सलाम वालेकुम। नानी नवासी चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज रमजान का पहला रोजा है, तो इफ्तारी के लिए मैं ये कबाब बना रही हूँ खीमे के। तो ये मैंने खीमा लिया है 250 ग्राम, और 2 प्याज लिए, और ये थोड़ी हरी मिर्ची, लाल और हरी मिर्ची काट ली है साथ में, और ये धनिया और पुदीना है। अब वो दूसरा मसाला बताती हूँ मैं। सूखे मसाले में मैंने ये लाल मिर्ची ली है, ये अक्खी लाल मिर्ची ली है कूटी हुई, और ये धनिया पाउडर है, और ये अक्खा धनिया है पाउडर है, और ये चाट मसाला है, और ये गरम मसाला है, और ये थोड़ा सा रंग लिया है मैंने फूड कलर, और ये काली मिर्ची है, और नमक। आटे को थोड़ा सेक लिया है मैंने, और एक अंडा डालेंगे, 2 चमचे घी डाल देंगे, 2 चम्मच। ये खीमा डाला है, अब ये प्याज ने ये मसाले सब डाल देते हैं, ये हरी मिर्ची, ये धने पुदीने, धनिया पुदीना दोनों डाल दिया है, और ये सब सूखे मसाले मैंने बताए थे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब डाल देते हैं। ये चने का आटा भी डाल देते हैं, बेसन सेकेला है। और ये अंडा भी डाल देते हैं अंदर, एक अंडा, और ये देसी घी है, 2 चम्मच घी डाल देते हैं। सा चपटी सोडा डालते हैं, मैं सोडा भूल गई थी डालने का। ये सब इस तरह से टिकिया इतनी बनी है मेरे 250 ग्राम खीमे में। अब इसको हम तल लेंगे बाद में, अब तल लेंगे फिर। देखिए तेल गरम हो गया है हमारा, ये टिकिया हम डाल देते हैं। इसमें अदरक मैं भूल गई थी, अदरक लहसुन, तो ये बाद में फिर से मैंने टिकिया बनाई, अंदर अदरक लहसुन डाला, मैं भूल गई थी। आज क्या है? धीमी आंच पे बनाएंगे तो अंदर गोश्त भी गल जाएगा, बाफे जाएगा, कच्चा गोश्त है वो वजह से। डालिए हमने धीमे रह के, देखिए टूटी नहीं, ये अच्छे सी धीमी आंच पे बन रही है, माशाल्लाह खाने में भी ऐसी स्वाद वाली होगी। देखिए माशाल्लाह अच्छे सी हो गई है लाल, काट लेते इसको।
दूसरी भी डाल देते हैं हम, ये दूसरी भी तल लेते हैं। इसमें ये ज़्यादा दिन ये कवर करके रख सकते हैं, अपने खाने जितना ताज़ा ताज़ा बना लिया। भी अच्छे से होने देंगे, फिर उतार लेंगे हम। थोड़ी लाल हो जाएगी अच्छे से, अंदर खीमा भी पक जावे, और सब धीमी आंच पर रहने देंगे। देखिए अब ये भी उतार लेते हैं हम, अच्छे से हो गए। इसके साथ खाने के लिए हम धनिया और पुदीना की चटनी बना लेते हैं। तो ये चटनी में मैंने ये 4-1 मिर्ची ली है हरी, ये थोड़ा नमक है, ये थोड़ा जीरा है, और ये काली मिर्ची है 5-6 दाने, और ये काला नमक है, काला नमक है, और ये इतना लहसुन है, और ये हरे धनिया और पुदीना साथ में है। थोड़ा पानी डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाल देते हैं, इसको पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से पीस लिया मैंने चटनी, ये डाल दीजिए। देखिए मसाला कितना अच्छा रंग आ रहा है इसका, हरा रंग। कबाब के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी ये, बाद में भी खा सकते हैं इसको। ये देखिए मसाला मैंने इस तरह बनाई है, और ये पुदीने की चटनी उसके साथ बनाई है मैंने। मसाला वो आपकी टिकिया इस तरह से बनाई है, तो देखिए आप भी बनाकर देखना, और अच्छा लगे तो नानी नवासी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।